मित्रों नमस्कार, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। पिछली बार में हमने कल्याण थाट के बारे में जाना था, इस बार थाट खमाच की जानकारी लेते हैं हम लोग। खमाच थाट में नीश कोमल आती है, शुद्ध नहीं लगती है। बिलावल थाट में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। बिलावल थाट में ही माँ तीर लगाने लगे तो कल्याण थाट हो जाता है। बिलावल थाट में ही नी कोमल कर दें तो हमारा खमाच थाट हो जाता है। अब हमको इस खमाच थाट में ही सारे अलंकारों का रियाज करना है। मित्रों देखें खमाच थाट किस तरीके से ये हमारी शुद्ध नहीं है, धा के बगल में कोमल नहीं होती है। धनी सा सानी धा रे सा। मित्रों सीधा सीधा गा रहा हूँ, सीधा सीधा सिखा रहा हूँ इसमें कोई, क्योंकि जब आप लोग सीख जाएंगे तो वेरिएशन तो आपके पास आ ही जाएंगे, आप सीखते रहेंगे, सुनेंगे, समझ पैदा होगी। तो अब इसी में हमको सारे अलंकारों का गाना है, अभ्यास करना है। सा रे ग रे ग म ग म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा। इसी तरीके से हमको जो अलंकार दिए हैं सभी अलंकारों का रियाज करना है। और कोमल नहीं लगने से मित्रों इस राग की प्रवृत्ति, थाट की प्रवृत्ति रूठने जैसी बन जाती है। जैसे इसका तेलंग राग है, इसी से निकला हुआ, रागों की बात अभी हम लोग नहीं करते हैं। राग खमाज ही है तो खमाज वगैरह में देखें अक्सर ठुमरी वगैरह गाई जाती हैं, तो किस तरह का होता है। तो मित्रों ये राग खमाज के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली और सभी लोग रियाज करते रहें। एक बार फिर देख लेते हैं। सा रे ग म प ध नि सा सा नि, नी ये नहीं लगेगी, अपनी ये लगेगी। सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा सा नि ध प म ध प म ग प म ग रे सा। कई राग इस खमाज थाट से निकलते हैं, कई थाटों का जनक है राग। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट थाट को लेकर के आएंगे। मित्रों हम लोग धीरे धीरे इस तरह से 10 थाटों का रियाज करेंगे, इसके बाद हम लोग धीमे धीमे से रागों की तरफ चलेंगे। संगीत एक दिन का विषय नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ उस बात को, मेरा मानना तो ऐसा ही है। आप लोग अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो मित्रों निश्चित रूप से, मैं कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं सिखा रहा हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, मुझे भी नहीं आता है उतना, तो इसलिए आप सीखने वाले की बात जल्दी समझ सकते हैं, तो आप मेरी बात को समझ सकते हैं मित्रों, क्योंकि मैं इतने ऊँचे स्तर से आपको बता ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं कोई कलाकार तो हूँ नहीं, मैं तो एक संगीत सेवक हूँ, तो आप लोग की सेवा कर रहा हूँ। इसी के साथ मित्रों अगला वीडियो अगले थाट के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। मित्रों मेरा कोई हमारे लाइक्स हजारों में आए, लाखों में आए, ऐसी कोई बात नहीं, 100-200 लोग भी अगर मैं लाइक कर लेंगे तो मुझे लगता है कि लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कोई इन वीडियो से पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, बस कला का विस्तार करना है, जन जन तक पहुंचाना है। थैंक यू।